हे एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज्यादा मस्त होंगे। एंड ठंड तो लिटरली बहुत हार्ड ठंड है भाई। इनको देख लीजिए आप, इनका अवतार देख के समझ में आ जाएगा। एंड मैंने इन्हें कल प्रॉमिस किया था कि मतलब आज मैं इन्हें लेकर जाऊंगा जलेबी खिलाने के लिए, तो आज मैं लेकर जा रहा हूँ। ठंडी में गर्मा गर्म जलेबियों का आनंद कितना अच्छा लगेगा। जल्दी चलिए, बाइक से चल रहे हैं हम लोग, तो उससे अच्छी बात क्या है। थोड़ी ठंडी हवा लेते जाएंगे, थोड़ी ठंडी लगेगी, फिर जाएंगे, फिर गर्मा गर्म जलेबी। मैंने कल इनसे प्रॉमिस किया था कि मैंने कहा आज मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा। आप लोगों को भी यार, देखिए मतलब कैसा वो हो जाता है। आज मैं आपको लेकर जाऊंगा जलेबी खिलाने के लिए, क्योंकि 2 दिन से ना हम लोगों का मतलब बहुत ही ज्यादा हेक्टिक डे रहा है। तो कुछ बाहर बिल्कुल निकलना नहीं हो पाया, तो आज मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ। एंड हमें आते आते मिल्क भी लेते हुए आना है, साथ ही साथ जलेबी भी खिला देंगे। एंड और देखते हैं जो भी काम रहेगा कर लेंगे, तो चलते हैं साथ में। यस, लेट्स गो, लेट्स गो। चलिए इन द ठंडी। यम्मी यम्मी कुलकपे। वाह, वहाँ का डेकोरेशन कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ, सन पार्क है। ठंड है ना, क्या कहूँ। घर से बाहर निकलने का मन तो होता है, बट जब बाहर निकल जाओ ना तो इतनी ठंडी लगती है। गुलगुप्पे हो चुके हैं हमारे, बट अभी तो अभी हम लोग जा रहे हैं गर्मा गर्म जलेबी के लिए। एंड हाँ, मुझे बहुत जरूरी चीज बोलनी है अब, जो इससे पहले कि मुझे भूल जाए। बात बोलती क्या? मैं क्या बोलने वाली थी कि वो जो हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि दिखते हैं आपने किस ये जो कमेंट था वो रोहित जी का था, उनका था, तो थैंक यू सो मच। हम पहुँच चुके हैं। हाँ, तो थैंक यू सो मच रोहित जी। मेरे को ध्यान आ गया कि आपने आज पिछले वाले व्लॉग में, कल के व्लॉग में भी आपने ही कमेंट किया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस व्लॉग में भी आपका जिक्र किया जाए। अब एकदम यमी यमी गरम बन रही है। हाँ।
लीजिए। यम्मी गर्मा गर्म जलेबियाँ, ताजी एकदम गर्म तुरंत मिल कर आ रही है ना। जलेबी किसको किसको पसंद है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड जलेबी में यहाँ पे जो ये थोड़ा नारियल का वो डाल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्रश करके डाल देते हैं नारियल की, तो जलेबी को और यम्मी बना देता हूँ, बहुत टेस्टी है। किस्मत पाई है मैंने। मैं है यहाँ पे मिल्क लेने के लिए, मिल्क लेंगे एंड उसके बाद सीधा घर। चलो अब उनकी शादी नहीं होगी। ये हमने मिल्क ले लिया है, बस अब हम निकलने वाले हैं घर। अभी वो गए हुए हैं वहाँ पे बाइक लेने। लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट, क्या मैं आपके साथ घर चल सकती हूँ? लिफ्ट तो आपने दे दी, मुझे लेके कहाँ जा रहे आप? अपने साथ? आपके घर या मेरे घर? ना आपके घर ना मेरे घर, हम हमारे घर जा रहे हैं। उस दिन मैंने लगता है यहाँ से टर्न लिया था, तभी जाकर वो किसी ने मुझे देखा था, तो बाद में इंस्टा में मैसेज आया कि भैया मैंने आपको देखी थी। अच्छा। तो अपने पापा के साथ वॉक कर रही थी और आपने वहाँ आप अपनी कार से थे, आप टर्न लिए, क्योंकि मैंने टर्न यहाँ से लिया था और एक यहाँ से टर्न लिया था। पहुँच गए हैं घर, उधर हमारे ट्रैपॉट रखा हुआ है। हम लोग पहुँच गए हैं घर और आज हमने सो, ये देखिए ठंड का कहर। ठंड का कहर जो है वो महसूस ही नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ठंड लग रही ना, है कि नहीं? इसीलिए हमने वो परमानेंट ब्लैंकेट एक रख के रखा है कि जब भी हम टीवी देखें तो ओढ़ कर बैठे आराम से। सेटिंग भी थोड़ा चेंज कर ली हमने, ये सोफा जो यहाँ रखा हुआ था वो हमने ऐसे सेट किया, सोफा आगे पीछे आगे पीछे करते थे तो हमने कुछ टाइम के लिए परमानेंट कर दिया, जब तक परमानेंट सॉल्यूशन हम लोग नहीं खोज लेते तब तक के लिए हमें। और अभी ऐसा कैसे लग रहा है सेटिंग, मतलब हमारा सेटिंग एरिया कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें कि ऐसा भी अच्छा लग, मुझे तो ऐसा भी अच्छा लग रहा है। या तो हम लोग ऐसा ऐसा भी रख सकते हैं, ठीक है? हाँ, बट फिर डाइनिंग टेबल के लिए ऐसा हो जाएगा। ये सही है, ये अभी सही है, वो एक सेपरेट लग रहा है उतना एरिया, मतलब अच्छा सा लग रहा है उतना एरिया और टीवी, हाँ परफेक्ट है। बस ये है कि अभी इस वाले जगह का कोई यूज़ नहीं है, बट जब हमें इधर का यूज़ करना होगा तब हम इसे यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, है ना। कान भी सही है। आया दिल को करार आया तुझ पे।
है प्यार आया, पली पली बार आया, ओ यारा दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पली पली बार आया, ओ यारा। यही सब यू बज के हैं रात के 11:30 एंड मैं अभी अलमारी थोड़ा सा कवर्ड जमाने लगी थी, अपने बैग्स वगैरह सब कुछ मैनेज कर रही थी, एड्रेसेस वगैरह, सो उसमें पूरा टाइम चला गया, घर पे भी बात करने लगी, लेकिन इन्होंने बहुत देर से मुझे आवाज़ नहीं दी है कि चलो खाना खा लेते हैं, तो कर क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। चलिए चलते हैं नीचे, देखते हैं कि क्या कर रही है। बहुत सारा काम हो गया, फाइनली खाए। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप, खाना पीना खाना है कि नहीं खाना? 11:30 होने चले। 11:30? माय गॉड, देर ही चल रहा है। सही है, आज कितने दिनों बाद हम लोग निकले हैं ना, और अभी ठंड जो बहुत ज्यादा हो गई है, हालत खराब हो गई है। हाँ, और अभी ये टीवी पे चला रहे थे यूट्यूब। क्या कर रहे थे आप, इतनी देर से मुझे आवाज़ भी नहीं दिया। मूवी वगैरह देख रहा था कि क्या देखे हम लोग आज, तो उसी में टाइम चला गया, पता ही नहीं चला कितना। देखा ना आपने, क्या कर रहे थे ये फ्री टाइम पर। एक्चुअली मॉर्निंग का टाइम ऑफिस वगैरह के काम में थोड़ा चला जाता है, बहुत सारा काम भी रहता है, घर का भी बहुत सारा काम रहता है, तो उसमें सारा टाइम चला जाता है, बस यही टाइम बचता है जिसमें थोड़ा हम एंजॉय कर सकते हैं इवनिंग का टाइम। तो अभी आप इनसे बातें कीजिए एंड मैं आती हूँ, खाना थोड़ा जग देती हूँ, तैयारी करती हूँ खाना खाने, ठीक है, लीजिए। ओके, क्या बन रहा है वैसे आज? लाइट बनाइए कुछ यार, क्योंकि पता है ऑलरेडी खाकर आ गए हैं ना, तो भूख बहुत ज़्यादा तेज नहीं लगी। हाँ वो तो सबसे बेस्ट यार, हम लोग अपना वाला कुरकुरे नहीं ला पाए ना। शिट, जब हम लोग सिंपल दाल चावल खाते हैं गाइस, तो उसके साथ कुरकुरे खाते हैं। कुरकुरे एक येलो पैकेट में आता है सॉलिड मस्ती करके, कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा, वो हमें बहुत टेस्टी लगता है, बहुत, मतलब घर में हम सभी लोगों को बहुत पसंद है। मैं आज इनको ध्यान भी दिलाया था कि लेंगे लेंगे, पर जिस शॉप से मिल्क लिए हैं वहाँ पर था नहीं, एंड उसके बाद हम लोग सीधा घर आ गए, तो ध्यान ही नहीं रहा। बहुत ठंड है यार, कुछ भी करो तो ठंड, मतलब ठंड वाकई में बहुत है यार, मतलब नॉर्मल पानी भी इतना ठंडा लगता है पीने में कि मैं आपको क्या बताऊं। आप लोग भी प्लीज़ अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए, प्रिकॉशंस लेकर चलिए, मास्क एंड सैनिटाइज़र सब यूज़ कीजिए। हम लोग भी साथ में मास्क सैनिटाइज़र हमेशा रखते हैं, एंड जब कभी बहुत मतलब कॉलोनी से बाहर निकलते हैं तो डेफिनेटली फुल प्रिकॉशंस के साथ ही आते जाते हैं, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बीमार हो, जैसे आज मैं ही बिना कैप के चला गया था, तो मुझे बाहर ठंड का बहुत ही ज़ोरदार एहसास हुआ। अब नहीं जाना है ऐसे बिल्कुल भी। तो ये कुछ बनाती हैं डिनर, एंड अभी के लिए हम लोग करते हैं बाहर, कल मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, एंड प्लीज़ देखने के बाद लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए। ओके, सो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, कल मिलते हैं। एंड हाँ, जाने से पहले एक बात और, न्यू ईयर आ रहा है तो कमेंट डाउन करके बताइएगा इस बार आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होने वाला है। ओके, एंड देखते हैं इस बार क्या होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, और मम्मी का बर्थडे भी रहता है तो उन्हें विश करना ना भूलें, एंड बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग दें उनके लिए। ओके।